अगर राष्ट्र का चाहते हर वीर से उत्थान, तो सबसे पहले कीजिए हिंदी का सम्मान। प्रांतीय भाषा अंग है हिंदी भाषा प्राण, इसके बिन संभव नहीं जन जन का कल्याण। डर जाए आतंक से वो पत्रकार नहीं है, डर जाए आतंक से वो पत्रकार नहीं है, सर के जो सत्य से वो कलमकार नहीं है। जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया वो कुछ भी हो लेकिन अखबार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम रंदा में एक बार फिर से स्वागत है। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। रंदा, खबरों की कसौटी पर उतर कर क्या कहता है, पहली खबर पर ले चलते हैं आपको हम, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के साथ खड़ी डबल इंजन की सरकार। क्या कहता है रंदा, सुनते हैं। सीएम साहब, रंदा भी एक किसान है, अगर आपके डबल इंजन सरकार में डिब्बे भी लगे होते तो रंदा उसमें बैठकर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर का सफर करता और अपनी किस्मत पर इतराता घूमता। आपकी सरकार ने इंजन चाहे सरकार में इंजन चाहे सिंगल हो या डबल, इससे रंदा को कोई मतलब नहीं। उसे मतलब है अपनी खेती से आय को बढ़ाना ताकि वो और उसका परिवार ठीक से अपना भरण पोषण कर सके। सीएम साहब, जिस दिन उर्वरकों के आसमानी दाम नीचे आ जाएंगे, हरी भरी खेती आवारा पशुओं से चरने से बच जाएगी, बिजली पानी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी और किसानों को अपनी उपज का अच्छा मूल्य बाजार में मिलने लगेगा, उस दिन रंदा पानी पी पी कर आपकी वो आपके डबल इंजन वाली सरकार का जमकर गुणगान करेगा। कृषि प्रधान देश में किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। इस बार पहले सूखे की स्थिति में किसान खरीफ की फसल अंतर्गत आने वाले धान को अधिक क्षेत्रफल में रोपण नहीं कर पाया। जो धान लगाए गए पकने के समय अधिक वर्षा हुई और फसल चौपट हो गई। सरकार से साल में 6,000 रुपया मिलना भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। 2022 तक सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन जो आय हो रही थी वो भी अब आधी रह गई है। खेती में लागत अधिक आ रही है, इसलिए खेती रंदा सदी के किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। अगर सीएम साहब आप रंदा जैसे अन्नदाताओं के साथ अपनी डबल इंजन वाली सरकार के लिए खड़े और उनकी मदद करने की मंशा को अमली जमा पहनाने का कार्य कर रहे हैं, तो रंदा आपको व आपकी डबल इंजन की सरकार का शुक्रिया अदा करता है। जी बिल्कुल, किसानों के लिए इस डबल इंजन सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। यदि किसानों को फायदा हो जाएगा तो किसान इस डबल इंजन सरकार की जमकर तारीफ करेंगे और शुक्रिया भी अदा करेंगे। ले चलते हैं आपको अगली खबर पर, जहां रंदा क्या कहता है सुनते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा उचित शब्दों का करे प्रयोग, ऐसा दोबारा ना हो। तेजस्वी यादव भले किसी को गुरु माने या ना माने, उनसे उचित शब्दों का प्रयोग करने की बात सीखे या ना सीखे, पर कोर्ट को जरूर अपना गुरु माने जिसने आपको निर्देश के रूप में ज्ञान दिया है कि आप जब भी शब्दों का प्रयोग करें वो शब्द उचित हों। कहो कोर्ट ने आपको निर्देश रूपी ज्ञान देकर ही आपकी जमानत बरकरार रखी, कहीं फटकार के साथ खारिज कर देती तो आप जेल की हवा खा जाते। रंदा कोई बात कहने के पूर्व 1,000 बार सोच लेता है कि ये बात जनहित
वह स्वाहित में ठीक रहेगी या फिर उल्टे वो अपमान का कारण बनेगी। तेजस्वी जी, आप उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हैं, आपका लंबा राजनीतिक करियर भविष्य के गर्भ में है, इसलिए जो भी बोलो सही बोलो और उचित शब्दों का प्रयोग करो। आप रंधा से भले सीख न लें, पर कबीरदास के इन रोहों से कुछ भी बोलने से पहले सीख अवश्य ले लें। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोली एक अमोल है, जो कोई बोली जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मतलब रंधा कहता है कि जो भी बोले वो सोच समझ कर बोले। ले चलते हैं आपको अगली खबर पर, जहां शामली के जिला कैराना क्षेत्र के मोहल्ला जोड़वा कुआं निवासी 2.5 फुट के अजीम मंसूरी तथा हापुड़ के मोहल्ला मजीदपुरा निवासी 3 फुट 2 इंच की बुसरा का निकाह 7 नवंबर को बना अखबारों की सुर्खियां। क्या कहता है इस निकाह पर रंधा? रंधा ने जब से 2.5 फुट अजीम मंसूरी और 3 फुटी बुसरा के निकाह की बात 7 नवम्बर को होने की बात सुनी है, तब से वो मन ही मन में फूल कर कुप्पा हुआ जा रहा है और चर्चित जोड़े को धांसू कट आशीर्वाद देने का मन भी बना रहा है। रंधा को चाहे निकाह व दावते वलीमा का निमंत्रण मिले या न मिले, लेकिन वो दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना की कहावत सिद्ध करते हुए मान न मान मैं तेरा मेहमान की तर्ज पर अजीब मंसूरी व बुसरा के निकाह में जरूर शामिल होगा। सबसे पहले वो भरपेट लजीज व्यंजन पर हाथ साफ करेगा, फिर प्रसन्न मन से ये 7 फुटी रंधा दोनों को आशीर्वाद देगा कि आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहे और दोनों जिंदगी भर मजे लूटते रहें। आप दोनों के इलू इलू में कोई दखलंदाजी न रहे, आप स्वतंत्र रूप से परिंदों जैसा प्यार में उड़ते रहें। आप दोनों का दाम्पत्य प्रेम देखकर प्रेम पर आधारित फिल्में बनाने वाले व इलू इलू दिखाने वाले फिल्म निर्माता व अभिनेता अभिनेत्री पनाह मांग जाएं। रंधा आपको दुआ देगा कि आपके संतान रंधा जैसी 7 फुटी हो, ताकि वो आप दोनों को बुढ़ापे में गोदी में लेकर बड़े गर्व के साथ घूम सकें और आप दोनों की सेवा करते हुए आपके प्यार व आशीर्वाद से खुश होकर ये नगमा गा सकें। 1/2, 2/4 छोटे छोटे भागों में बट गया संसार, नहीं बटा है नहीं बटेगा मम्मी डैडी का प्यार। जी बिल्कुल, नहीं बटा है नहीं बटेगा मम्मी डैडी का प्यार। तो रंधा जो है इन छोटे कपलों के लिए जो है बहुत खुश है और बिन बुलाए मेहमान की तरह दावत उड़ाने का भी ख्याल मन ही मन में पका रहा है। तो ले चलते हैं खैर अगली खबर पर, जहां 24 साल बाद कांग्रेस को मिला गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ कांग्रेसी एवं सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे बम्पर मतों से चुनाव जीते, उनके मुकाबले लड़ रहे सांसद शशि थरूर बम्पर मतों के अंतर से हारे। रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को रंधा की ओर से हार्दिक बधाई और उनके मुकाबले चुनाव लड़ रहे सांसद शशि थरूर की बम्पर मतों से हार पर रंधा की दिली रुलाई स्वीकार हो। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने पर खासकर दक्षिण भारत में कांग्रेस मजबूत होगी, ऐसा रंधा को राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भाजपा गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाना भूल जाएगी। कांग्रेस ने दलित वर्ग से आने वाले श्री खड़गे को अध्यक्ष चुनकर जो दलितों को रिझाने का काम किया है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करे या न करे, पर बसपा सुप्रीमो मायावती की टिप्पणी देर सवेर जरूर आएगी, क्योंकि जब किसी दल में दलित वर्ग को नेता आगे बढ़ने लगता है तो उसकी सबसे ज़्यादा टीस मायावती को ही होती है। उन्हें भय सताने लगता है कि कहीं दलित वोट बैंक अमुक पार्टी के अमुक दलित नेता के कहने से बसपा छोड़कर न खिसक जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, वो 9 बार विधायक तथा 2 बार सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद हैं। उनके लंबे अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष के रूप में अवश्य मिलेगा, ये पार्टी जनों का भी मानना है। सन 2004 की यूपीए की सरकार में अध्यक्ष पद पर रहते हुए श्रीमती सोनिया गांधी ने
प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की पराजय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से सांसद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। काफ़ी मान मनोबल के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं किया और अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे विजयी हुए। लोग कहते हैं कि गांधी परिवार पर परिवारवाद के आरोप भले ही भाजपा व अन्य दल झड़ें, पर क्या भाजपा व अन्य दलों में ऐसी नैतिकता बाकी है कि वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद ठुकरा दें? यह सोनिया गांधी व सांसद राहुल गांधी ने ठुकराया है। प्रधानमंत्री रहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने तो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस परिवार पर अनर्गल व मिथ्या आरोप तो राजनीतिक दलों के लोग लगाते ही रहते हैं, पर देश के लिए इतना त्याग बलिदान किसी दल के नेता ने दिया हो तो रंदा को अवश्य सूचित कर देना। देश के लिए किसी नेता ने अपनी एक उंगली तक का बलिदान नहीं दिया। परिवारवाद का आरोप करने वाले भूल गए कि हर दल में अब परिवारवाद है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी मंत्री पद को सुशोभित कर रही है तथा पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह भी जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। वहीं ग्वालियर की राजमाता स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया का पोता ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री है तथा उनकी एक पुत्री यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं तथा श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये सब जब आँखों से अंधा रंधा देख लेता है तो उनकी पार्टी के लोग नैंसुक होने पर भी अपनी पार्टी का परिवारवाद क्यों नहीं देख पाते हैं? सपा संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव का विश्व के नंबर एक का राजनीतिक परिवारवाद वाला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी परिवारवाद के अखंड नमूने बने हुए हैं। रंदा सीतापुर के कई नेताओं को जानता है, इनके पुत्र आज भी उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। रंदा भी किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहा है, उसने हकीकत कही है। रंदा व उसका प्रस्तोता किसी भी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य तक नहीं है और न ही उसका कोई राजनीतिक दल से लेना देना है। रंदा हमेशा सच बोलने के लिए कबीरदास के इस दोहे का हमेशा सहारा लेता रहता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है वाके हृदय आप। जाके हृदय सांच है वाके हृदय आप। तो सभी राजनीतिक दलों में जो है परिवारवाद जरूर लगा है, लेकिन अब कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप नहीं लग सकता। तो ले चलते हैं आपको अगली खबर पर, जहां सीएम योगी ने कहा कि त्योहारों पर ना पड़े कोई खलल, लक्ष्मी प्रतिमा का विसर्जन तालाब में सुनिश्चित कराए प्रशासन। क्या कहता है रंदा? योगी बाबा के सीएम रहते भला किसकी मजाल कि वो त्योहारों पर खलल डालने की हिमाकत कर सके। अराजक तत्व जानते हैं कि योगी बाबा के आदेश के बाद कहीं त्योहारों में तड़का स्वभाव की भूमिका निभाई तो योगी जी का पुलिस प्रशासन उन्हें कतई नहीं छोड़ेगा। वो उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कराकर उनकी सब संपत्ति जब्त कर लेंगे और उनके मकानों दुकानों पर अपना पराक्रम बुलडोजर महाराज दिखाते नजर आएंगे। लक्ष्मी प्रतिमा को अगर तालाब में विसर्जन का आदेश योगी बाबा ने दिया है तो उसका वो पालन अवश्य करें, लेकिन वो लक्ष्मी प्रतिमा का विसर्जन जलकुंभी व गंदे नाले गिरने वाले तालाबों में हरगिज न करें। लक्ष्मी माता भले कुछ कहें या न कहें, पर रंदा जैसे लष्मी भक्तों को अवश्य कष्ट होगा जिन पर माँ लक्ष्मी ने अभी तक अपना आशीर्वाद तक नहीं दिया है। माँ लक्ष्मी की सवारी उल्लू को विसर्जित मत करना, वो मुझे दे देना ताकि रंदा उल्लू को अपना आराध्य गुरु मानकर उससे उल्लू गिरी सीख सके और आप लोगों के समक्ष उल्लूक भाषा में उल्लू बनाने वाली बातें कह सके, क्योंकि विद्वतापूर्ण बातें करने वाले व्यक्ति की बात अब कोई नहीं सुनना चाहता। विद्वान व्यक्ति को आज के युग में सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। जैसे कभी महाकवि बनने के पूर्व मेघदूतम, कुमार संभव, अज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथ लिखने वाले कालिदास को समझा जाता था, आज के युग में उल्लू गिरी वाला फेसबुकिया ज्ञान सभी सुनना व देखना व उस पर चलना चाहते हैं। अगर किसी गंदे तालाब में प्रतिमा विसर्जित ही करनी पड़े
तो माँ लक्ष्मी की जगह उनके भक्त रंदा की प्रतिमा विसर्जित कर देना। वो उसे क्षीर सागर समझकर उसमें आनंद से रह लेगा। योगी सरकार में जो अभी आधे अधूरे व पुराने तालाबों को नए खुदे अमृत सरोवर दिखाकर धन हड़पा जा रहा है, उसी में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विसर्जित करवा देना। रंदा जब माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विसर्जित करने जाएगा तो वो भी अमृत सरोवर का अमृत रूपी जल पीकर राह केतु की तरह अमृत को प्राप्त कर लेगा। जी बिल्कुल, जो इस बार आदेश आया है कि माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो तालाब में विसर्जित करें, ऐसी जगह मत रखें कि जहाँ पे जल दूषित हो और दूषित जल में उसका अपमान हो जाएगा। तो ले चलते हैं आपको अगली खबर पर, जहाँ मध्य प्रदेश बना पहला राज्य जहाँ हिंदी में संभव हुई मेडिकल की पढ़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में किया हिंदी में 3 विषयों की किताबों का विमोचन। क्या कहता है रंदा? गृह मंत्री अमित शाह का हिंदी प्रेम देखकर हिंदी भाषी रंदा काफी गदगद है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, उसी प्रकार पढ़ाई हिंदी में अन्य राज्यों में भी गृह मंत्री जी करवा दीजिए, ताकि हिंदी भाषा अपना खोया गौरव पुनः पा सके और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस कथन को अमली जामा पहनाया जा सके कि हिंदी की होड़ अंग्रेजी से है, अन्य प्रांतीय भाषाओं के साथ नहीं। रंदा, गृह मंत्री अमित शाह का वो दिन कवियों, साहित्यकारों, हिंदी अनुरागियों की ओर से नागरिक अभिनंदन करेगा और उन्हें फूल मालाओं से लाद कर गला फाड़ फाड़ कर जिंदाबाद के नारे लगाएगा। जिस दिन हिंदी राजभाषा के स्थान पर राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल करेगी। हिंदी भाषा बोलने व समझने वाले देश दुनिया में 75 करोड़ लोग हैं तथा संपूर्ण विश्व में ये 4वें नंबर की भाषा बन गई है। अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। रंदा का प्रसोता हमेशा हिंदी की माला जपता रहता है और इस भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हुए इसके उन्नयन में जितना हो सकता है वो लेखन और पत्रकारिता के माध्यम से कर रहा है। वो हमेशा हिंदी को भारत माता की बिंदी कहते हुए उसके सम्मान में अपने दोहे कहता रहता है। अगर राष्ट्र का चाहते हर विध से उत्थान, तो सबसे पहले कीजिए हिंदी का सम्मान। प्रांतीय भाषा अंग है, हिंदी भाषा प्राण, इसके बिन संभव नहीं जन जन का कल्याण। जी बिल्कुल, अगर राष्ट्र का चाहते हैं हर विधि से उत्थान, तो सबसे पहले कीजिए हिंदी का सम्मान। हिंदी में बातचीत करने से कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण दोनों में रहता है। आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। ले चलते हैं आपको अगली खबर पर, जहां अलीगढ़ जनपद के इगलास क्षेत्र के गांव चंदफरी का वीडियो वायरल। यहां हिंदू युवक के साथ न सिर्फ मुस्लिम युवा हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं बल्कि वह बजरंग बली के जयकारे भी लगा रहे हैं। क्या कहता है इस जयकारों पर रंदा? हिंदू मुस्लिम में नफरत का बीज बोकर अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले सियासतदानों को गंगा जमुनी संस्कृत का बेजोड़ दृश्य देखकर उनके मुंह पर स्वतः जोरदार तमाचा लग गया होगा। इधर कुछ वर्षों में सियासतदानों ने अंग्रेजों की यह नीति फूट डालो और राज करो को अपनाकर हिंदू मुस्लिम के बीच अपने सियासी लाभ के लिए जो नफरती माहौल बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है और बहुसंख्यकों का वोट लेकर सत्ता हथियाई है। जिस प्रकार नफरती माहौल बनाने में गोदी मीडिया ने अपने मुख्य सियासी दल का साथ दिया और आज भी प्रायोजित डिबेट कराकर ये न्यूज चैनल देश की एकता को तार तार कर रहे हैं, वो कभी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा कुटीर उद्योगों की समस्याओं पर बात तक नहीं करते और ना कोई इस पर विशेष डिबेट ही दिखाते हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई मसला मिल गया तो उसे 24 घंटे देते रहते हैं, जैसे इसके अलावा भारत में कोई अन्य समस्या बची ही नहीं। वही जब रंदा एकता व भाईचारे से संबंधित खबरें पढ़ता हुआ देखता है तो उसके मन में ना सिर्फ सुकून मिलता है बल्कि वो ये सोचने पर विवश हो जाता है कि नफरती बीज को नष्ट करने एवं आपस में प्रेम और भाईचारे के बीच बीज को बोने वाले भी हमारे देश व समाज में हैं। जो देश की एकता, अखंडता, सद्भाव, समभाव, भाईचारे की भावना को
अजेय बनाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे देश व समाज में हमेशा हर त्यौहार सांप्रदायिक सौहार्द में मनाए जाते रहे हैं। इधर कुछ वर्षों में जरूर हर त्यौहार, चाहे वो हिंदुओं के हों या मुसलमानों के, वो सब पुलिस व सशस्त्र बलों की सरपरस्ती व संगीनों के साए में संपन्न होते हैं। रंधा हमेशा हर धर्म का बराबर सम्मान करता रहा है। वो होली, दीपावली, ईद, बकरीद जैसे प्रमुख त्योहारों में शामिल होता रहा है और अच्छे अच्छे पकवानों को बड़े आनंद के साथ अपने हलक के नीचे उतारता रहा है। रंधा ये भी देखता आया है, जब कभी हिंदुओं को अपना धर्मस्थल या मंदिर बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और जगह की कमी देखी तो मुस्लिम भाइयों ने अपनी जगह दे दी, और मुस्लिम भाइयों को मस्जिद बनाने की जमीन की जरूरत पड़ी तो हिंदुओं ने खुशी खुशी उसे अपनी जमीन दे दी। लखनऊ के अलीगंज के हनुमान मंदिर का निर्माण इस्लाम धर्म के नवाब ने कराया था। इसमें आज भी प्रतिदिन हजारों लोग श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चन कर मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। सीतापुर में डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत हिंदू होकर इस्लाम दर्शन लिखा था, वहीं कस्बा खैराबाद निवासी डॉक्टर अजीज अर्चन ने अपनी PhD तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस पर की। रस खान तो मुस्लिम होते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनेक सवैया छंद लिखे। डॉक्टर राही मासूम रजा ने महाभारत सीरियल के संवाद लिखे। मोहम्मद रफ़ी ने अनेक फिल्मों में भजन गाए। तो फिराक गोरखपुरी व अदम गोंडवी हिंदू होकर उर्दू भाषा में अपनी शेरो शायरी का लोहा मनवाया, लेकिन किसी ने CM योगी की तरह हनुमान जी में जात तथा बुक्कल नवाब की तरह उसमें धर्म नहीं ढूंढा। तो जिसने भी उसमें ढूंढा तो उसमें अपनी आस्था, भक्त और विश्वास। राजस्थान के लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान CM योगी ने कहा था कि हनुमान जी दलित वर्ग के थे। सपा MLC रहे बुक्कल नवाब ने कहा था हनुमान जी मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में रहमान, सुलेमान, सलमान जैसे एक सैकड़ा नाम भी गिनाए थे, जिनके नाम के साथ मान जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार हनु के साथ मान जुड़ा हुआ है। रंधा कभी किसी देवी देवता, पीर पैगंबर तथा महापुरुषों में जात धर्म नहीं ढूंढता है, बल्कि उनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए हैं या उन्होंने जो राष्ट्र व समाज के हित में अच्छी सीख व शिक्षाएँ दी हैं वो उनका अनुसरण कर अपने जीवन को धन्य अवश्य बनाता है। हमारा संविधान भी धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदत्त करता है। रंधा संविधान का हमेशा सम्मान करता है। जी बिल्कुल, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अपने लाभ के लिए हिंदू मुसलमान तो अक्सर किया करती हैं, लेकिन रंधा क्या कहना है कि हर धर्म का सम्मान करें, सभी धर्म बराबर हैं। तो ले चलते हैं आपको अगली खबर पर, जहां मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के एक लकड़ी ठेकेदार ने कवरेज करने के पत्रकार को धमकाया, केस दर्ज। लकड़कट्टे ठेकेदार द्वारा वृक्ष विनाश लीला का कवरेज न करने जाते और उन्हें पर्यावरण का हित चिंतक बताते तो वो धमकाने के बजाय दीपावली के मिठाई के खर्च का पैसा भी खुशी खुशी देते और खुशी मन से शेक हैंड भी करते। जहां बहुत से तथा कथित पत्रकार भाट भोंपू की भूमिका निभाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वहां पर सही कवरेज करने वाले और पाठकों, दर्शकों को समाचार के माध्यम से सच्चाई बताने वाले पत्रकारों को तो बेइज्जती झेलना ही पड़ेगा। बहुत से पत्रकार अपनी सच्ची खबरों के लिए जान भी गंवा चुके हैं। गोदी मीडिया के जलवे देखने के बावजूद आपने लकड़ी कटान की खबरें कवरेज करने का साहस किया। रंधा भले आपके कार्य की सराहना करे, लेकिन वृक्षों की विनाश लीला कराने वाले कथित रूप से वन उद्यान पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी कभी खुश नहीं होंगे और ना ही उनकी सह पर वृक्ष विनाश करने वाले लकड़कट्टे ठेकेदार ही खुश होंगे। उन्हें तो हरे भरे वृक्ष कटवाकर अपनी जेबें भरनी है, उन्हें पर्यावरण संरक्षण से कोई मतलब नहीं है। हर साल वन व उद्यान विभाग लोगों को पौधे लगवाता है पर उनकी उचित देखभाल नहीं करता है और वो बिना पुष्पित पल्लवित हुए नष्ट हो जाते हैं। रंधा वृक्ष विनाश लीला को देखकर किसी व्यंग कवि की ये काव्य पंक्तियाँ हमेशा गुनगुनाया करता है,
वन विभाग के अधिकारी महाराणा प्रताप के चरण चिन्हों पर जा रहे हैं। वो तो केवल घास की रोटियां खाते थे, ये तो पूरा जंगल ही चबाए जा रहे हैं। रंधा अगर धमकी खाने वाले पत्रकार की जगह होता तो वो उल्टे लकड़कट्टे ठेकेदार की धमकी पर वरिष्ठ पत्रकार एवं कवि पद्मकांत शर्मा प्रभात की इन काव्य पंक्तियों से ऐसा रंधा चलाता कि वो फिर किसी पत्रकार को धमकाने की जरूरत करना भूल जाते। डर जाए आतंक से वो पत्रकार नहीं है, डर जाए आतंक से वो पत्रकार नहीं है, सर के जो सत्य से वो कलमकार नहीं है। जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया वो कुछ भी हो लेकिन अखबार नहीं है। जनता के दुख दर्द को जो लिख नहीं पाया वह कुछ भी हो लेकिन अखबार नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो समस्या अगर पत्रकार नहीं लिखेगा, पत्रकार सच्चाई नहीं दिखाएगा तो कैसा वह कलमकार। तो ले चलते हैं अगली खबर पर, जहां मानपुर में 5 जिलों के 450 पहलवानों ने लिया भाग, कुश्ती में 50 पहलवान हुए विजयी। इस कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानी का दमखम दिखाने के लिए रंधा को भी बुला लेते, जो महंगाई बेरोजगारी की समस्या से कई वर्षों से न सिर्फ दंड बैठक कसरत कर रहा है बल्कि वो उससे बराबर कुश्ती भी लड़ रहा है। महंगाई बेरोजगारी से कुश्ती लड़ते लड़ते वो अपना सब कुछ गंवा चुका है। अब उसके पास कुश्ती लड़ने के लिए सिर्फ लंगोटी ही बची है। महंगाई बेरोजगारी की समस्या ऐसी ही विकराल नहीं तो उसकी लंगोटी के भी बचने की कोई गारंटी माई का लाल नहीं ले सकता। मानपुर विश्वा क्षेत्र के कवि शायर अपने कविताओं गजलों को सुनाकर अपने आप को साहित्यिक पहलवान सिद्ध करते थे। अब इस क्षेत्र में साहित्यिक अखाड़ों के बजाय पहलवानी के अखाड़े सजने लगे हैं। कवि साहित्य क्षेत्र में मानपुर बलदेव नगर के आसकवि दुज बलदेव, अवधेश सुमन, रघुवंश अवस्थी, श्यामा कुमार अवस्थी मयंक, दासापुर निवासी राजेश अवस्थी तथा विश्वा के पंडित उमा दत्त सारस्वत, डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जैसे कवि तथा अफसर बिस्वानी जैसे नामचीन शायर साहित्यिक अखाड़े में उतरकर छंद सोठा कवित सवैया गजल हजल नज्म के दांव पे से साहित्यानुरागियों को रससिक्त करते थे। आज भी इस क्षेत्र में धुरंधर कवि कमलेश मौर्य मृदु, संदीप सरस, रामकृष्ण पांडे संजय, पद्मकांत शर्मा प्रभात, विवेक अवस्थी, सुखदेव अवस्थी जैसे नामचीन साहित्यिक पहलवान हैं जो कवि रूपी दंगलों में सामाजिक व राष्ट्रीय मंगल की कविताएं सुनाया करते हैं। रंधा को अगर अन्य पहलवानों की भांत दंगल में बुलाया गया होता तो अपनी लंगोटी कसकर ये काव्य पंक्ति गाते हुए कुश्ती के दंगल में कूद जाता और सामने वाले पहलवान पर कुश्ती के दांव पे चलाते हुए उसे चारों खाने चित्त कर देता। मिट जाता आलस्य बदन का, मिट जाता आलस्य बदन का, आती चुस्ती सब रोगों की एकमात्र औषध है कुश्ती। तो कुश्ती में जो है दंगल में रंधा को नहीं मिलाया इसलिए रंधा नाराज है। ले चलते हैं आपको अगली खबर पर, जहां धनतेरस व दीपावली पर्व को लेकर लोगों ने की जमकर खरीदारी, महंगाई की मार भी नहीं आई आड़े। क्या कहता है रंधा इस महंगाई पर? दीप मालके व धनतेरस के पर्व पर रंधा आई इंडिया परिवार की ओर से दिली मुबारकबाद देता है कि दीपावली उन्हें सुख समृद्धि बनाए और वो धन धान से परिपूरित रहे। सर्राफा कपड़ा बर्तन इलेक्ट्रॉनिक तथा मिष्ठान की दुकानों पर किस तरह जोश खरोश के साथ खरीदारी हुई, व्यापारियों के व्यापार को न सिर्फ पंख लग गए बल्कि उनके व्यापार पर जमकर धन बरसा हुई। दीपावली धनतेरस गोवर्धन पूजा व भैया दूज के लिए लोगों ने जरूरत व पूजा पाठ की सामग्री खरीदी। रंधा ने भी अपनी फटी जेब से जरूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें खरीद कर अपने त्यौहार की औपचारिकता पूरी की। धनतेरस पर भगवान धन्वंतर की जयंती भी धूमधाम से मनाई गई। चिकित्सकों वैद्यों तथा चिकित्सा पद्धति से जुड़े लोगों ने भगवान धन्वंतर की जयंती पर पूजन अर्चन किया और चिकित्सीय क्षेत्र की में आगे बढ़ने की मनोवांछित कामना की। रंधा दीप मालके पर्व पर लोगों से अपील करता है कि प्रसिद्ध कवि रहे गोपालदास नीरज की इन काव्य पंक्तियों को साकार करते हुए दीपावली का दीप
मन के अंधियारे को मिटाने के लिए भी जलाएं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। रंदा दीपावली की बधाई मशहूर शायर महफूज सीतापुरी की इन काव्य पंक्तियों से देता है कि माँ लक्ष्मी की आप पर, आप सभी पर कृपा की बरसात हो और आपका घर द्वार धन धान से परपूरित रहे। जला के दीप अकीदत के तुम अगर देखो, नजर दीपावली आएगी फिर चाहे जिधर देखो। मिली दीपावली से रोशनी महफूज दुनिया को, हुई है जीत सच्चाई की आंखें खोल कर देखो। सम्मा सच्चाई की हर राह पर जलाते जाएं, गुल मोहब्बत वो हकीकत के खिलाते जाएं। पर्व दीपों का हमें देता है संदेश ही, जो उठे जुल्म का सर उसको मिटाते जाएं। जी बिल्कुल, जो उठे जुल्म का सर उसको मिटाते जाएं। तो रंदा जो है, आपने सुना कि किस तरह से अलग अलग तरीके से रंदा ने अपनी खबरों पर जो है पेशकश की, और रंदा दीपावली पर्व की सभी को बधाई भी देता है और बताता है कि अपनी फटी जेब से कुछ रंदा खर्चा करके वो भी त्यौहार का आनंद लेगा। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम रंदा। तो अगली बार फिर मिलते हैं रविवार को सुबह 8 बजे। कैसा लगा हमारा खास प्रोग्राम रंदा, कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक करें खबर को, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।